अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टिचिंग आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शलवार के पांचे का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, और इसको मैं बनाऊंगी दो तरह की अटैच बेल से। ये देखें, जो हमारी जॉइंट बेल होती है, एक ये है मेरे पास ब्लैक कलर में, और एक नॉर्मल जो सीढ़ी बेल होती है ये वाली है, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, मेरे पास आपको एक बुकरम का पीस कटा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट है मेरे पास 1.5 इंचेस, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने लेनी है अपने पांचे के हिसाब से। जैसे 8 इंच का मेरा पांचा था, तो सिलाई के साथ 9 इंच का, तो उसी हिसाब से मैंने इसको डबल करके ये वाली पट्टी ले ली है। ये वाली तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी काटने के बाद हमने इसको बीच में से दो हिस्से कर लिए हैं। ये देखें, इसको डबल किया ऐसे, डबल करने के बाद इसको बीच में से कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद इसको मैं पेस्ट करूंगी अपने शलवार के साथ के कपड़े के ऊपर। उसके बाद क्या करना है वो आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, अभी आपके सामने जो मैंने बुकरम कट की थी इसको मैंने पेस्ट कर लिया है मेरे शलवार के साथ के ही फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो ये एक पांचे की है दो, और ये दो एक पांचे की है। अब हम इनको यहाँ से, बीच में आपको गैप नजर आ रहा होगा कपड़े का, तो यहाँ से भी हमने इसको कट करना है, तो ये दो अलग अलग पट्टियाँ हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको शलवार के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे, लेकिन इसको हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे फोल्ड करके, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम कपड़ा रख के सादा पांचा बनाते हैं तो कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर देते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो मैंने सीढ़ी लेस आपको दिखाई थी वो सीढ़ी लेस हम इसके अंदर अटैच करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पट्टी लगाने के लिए बैक साइड होगी शलवार के कपड़े की, और उसके ऊपर राइट साइड हम रखेंगे अपने पट्टे की, ठीक है। और उसके ऊपर जो है हमने स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ से कपड़े का जो मार्जिन है वो 1/2 इंच तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग में रख लिया करें। ये देखें, हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसको बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके साथ ही मैं इसमें रखूंगी हमारी जो जॉइंट लेस है। जॉइंट लेस लगाने के लिए हमने ये ध्यान रखना है कि जॉइंट लेस और हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल बराबर हो, मतलब जो हमारी जॉइंट लेस की एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नज़र ना आए। ये देखें, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने दबा देना है पट्टी के अंदर, और बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, एक पट्टी को अटैच करने के बाद दूसरी पट्टी लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी, जॉइंट लेस का कपड़ा बिल्कुल नीचे की तरफ दबा के इसको हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे किनारे की। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों तरफ से आपने नीचे दबाना है, पट्टी का भी और जॉइंट लेस का भी। देखें, बिल्कुल दरमियान से जॉइंट लेस ही नज़र आ रही है, और इस तरीके से आपने पूरी सिलाई को कम्प्लीट कर लेना है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो दूसरी तरफ से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम नीचे की तरफ फोल्ड करके सिंपल और स्ट्रेट बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। अभी आपके सामने जो है वो मैंने अटैच कर ली है सीढ़ी लेस जो थी वो हमारी, ठीक है। इसको बगैर कट के हमने लगाना सीखा है। आप इसको पांचे में या शर्ट में किसी भी तरीके से आप इसको इस तरह ऊपर रख के भी लगा सकती हैं, ये बिल्कुल गुम सिलाई वाली ही लुक देती है, और इसमें कट भी नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़ के, ठीक है, ये जो पांचा है यहाँ से हम 1-1 इंच का फासला छोड़ के बिल्कुल सीधा पांचे को कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद ये जो चौड़ी वाली मैंने आपको दिखाई थी जॉइंट लेस, ये हम अटैच करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको, आप अगर आपको वैसे अंदाजा नहीं होता है तो आप 1-1 इंच पे मार्क करके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, एक सीधी लाइन इसको लगा लें, लगाने के बाद इसको वहां से कट कर लें। मुझे चूंकि अंदाजा है तो मैं ऐसे ही बिल्कुल इसको सीधा सीजर के साथ जो है वो कट कर लेती हूँ, और उसके बाद बेल को कैसे लगाना है वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा जो पांचे वाली साइड थी इसको मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं इसके ऊपर ये वाली जॉइंट लेस जो मैंने आपको दिखाई थी ये मैं इसके ऊपर अटैच करूंगी। इसको अटैच करने का सही तरीका ये है कि जब भी हम जॉइंट लेस को रखेंगे
तो ये देखें यहाँ से हम तकरीबन एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और पीछे की तरफ हटा के फिर हमने जो है वो जॉइंट बेल लगानी है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लैक बेल है और ब्लैक ही ऊपर कपड़ा है, तो शायद थोड़ा फोकस करने में मसला हो। ये देखें आप शायद नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इतना फैब्रिक जो है वो हमने इस तरफ को निकाल के फिर बेल लगानी है और बेल के ऊपर भी सिलाई जो है ये देखें हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे सिलाई लगाती हैं और बिल्कुल कपड़े के किनारे के साथ किनारा लगा के फिर सिलाई करती हैं, तो इससे ये होता है कि पहनते हुए धुलाई करते हुए सिलाई जो है वो निकल जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक एक साइड पे आपने एक पैर का छोड़ के लगाना है और सिलाई जो है वो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर नहीं लगानी है, जो हमारा बीच में डिजाइन बना हुआ है ना इसके बिल्कुल साथ साथ लगानी है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह नहीं है कि आपको जो है वो डिजाइन बीच में नजर नहीं आएगा सही से या डिजाइन जो है वो सिलाई में आ जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे ये फर्क जरूर पड़ेगा कि आपकी सिलाई जो है वो निकलेगी नहीं और बहुत सफाई और नफासत के साथ लगेगी। अभी मैं आपके सामने लगाती हूँ, आप भी देखें। ये देखिए व्यूअर्स, आपके सामने सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और इसको नाखून लगा के स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल। अब हमारा जो दूसरी वाली साइड है शलवार के साथ की, उसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से हम रख के सिलाई लगाएंगे। इतना ही एक पैर का मार्जिन कपड़े का हम छोड़ेंगे और सिलाई भी हमारे डिज़ाइन के बिल्कुल साथ लगाएंगे। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्स्ट्रा फैब्रिक कितना छोड़ा हुआ है, तकरीबन एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, मेरे पाँचे का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल कंप्लीट है। सिलाई मैंने लगाई थी, देखिए ऊपर वाली जो हमारी जॉइंट बेल है इसको मैंने गुम सिलाई के साथ लगाया है और किस तरीके से लगाया है पूरा मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है। लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से जमा के प्रेस किया है, ठीक है। अब हम इसको फाइनल सिलाई लगा देंगे यहाँ से, जितना भी आपके पाँचे की चौड़ाई है उतना रख के आपने इसको अंदर से सिलाई लगा देनी है। डिज़ाइन मेरा कम्प्लीट है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी बहनें जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।